हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की जो सीरीज़ है उसको आज कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। और टॉपिक का नाम है इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर नंबर 33 इसके अंदर इंक्लूड होता है। ऑर्डर नंबर 33 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला मॉर्गेज, वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, मेंस में कई सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो बिल्कुल डिटेल करके और बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये इंडिजेंट पर्सन का टॉपिक समझाने वाला हूँ। और ये शायद थोड़ा बड़ा हो, इसको एंड तक देखना, इसको याद करना, इस पे प्री के क्वेश्चन सॉल्व करना, ये जुडिशरी में आएगा ही आएगा। ओके, देखो ये भाई साहब है, मान लो इंडिजेंट पर्सन। अब कौन होता है वो इंडिजेंट पर्सन? देखो, पर्सन हु डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट मींस टू पे कोर्ट फी इज कॉल्ड एज इंडिजेंट पर्सन। जिस बंदे के पास सफिशिएंट मींस नहीं है कोर्ट फी जमा कराने के, उस पर्सन को हम कहते हैं इंडिजेंट पर्सन। क्लियर हो गया? अब सफिशिएंट मींस का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट मींस का मतलब होता है कि कोई भी मींस, लेकिन उस मींस के अंदर ये दो चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। देखो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी जो कि अटैचेबल नहीं है सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 60 में लिस्ट बनी हुई है, उसका जब आप प्रोवाइजो देखते हो ना, तो प्रोवाइजो में जितने भी आइटम्स मेंशन हैं वो सारे के सारे नॉन अटैचेबल हैं, उनको आप अटैच नहीं कर सकते। ओके, दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी जो कि वो प्रॉपर्टी आप अटैच नहीं कर सकते जो कि सब्जेक्ट मैटर है सूट का, जिसके ऊपर जो मैटर इन कंट्रोवर्सी में है। भैया, अगर आपने उसको ही अटैच कर लिया, उसको ही सेल कर दिया, तो फिर सूट किसके ऊपर चलेगा, है ना? तो ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं, ये अगर उसके पास है, इंडिजेंट पर्सन के पास, वो पर्सन के पास है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल, ए हैज टू लैंड्स, वन इन विच ही स्टेज एंड दैट इज नेसेसरी फॉर हिज एंजॉयमेंट, एंड सेकेंड लैंड विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, नाउ बोथ आर वर्थ रुपीज 2 करोड़। 2 करोड़ की दो प्रॉपर्टीज हैं उसके पास। एक प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें वो रह रहा है, और एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर ही सूट फाइल करा गया है। क्या दो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो भले ही ये रिची रिच क्यों ना हो, इसको हम इंडिजेंट पर्सन ही मानेंगे, क्योंकि इनकी जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, एक तो जो है नॉन अटैचेबल है सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग, और एक जो है सब्जेक्ट मैटर है सूट का। क्लियर हो गया? अब आगे आता है, हु डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट मींस टू पे कोर्ट फी। तो अगर हम कोर्ट फी के बारे में बात करें ना, कोर्ट फी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो प्रिस्क्राइबल लॉ और एक जो प्रिस्क्राइबल लॉ नहीं है। प्रिस्क्राइबल लॉ में क्या होगा कि मान लो आपको बोला कि आपको कोर्ट फी 15,000 रुपए देनी है, या 10,000 रुपए देनी है, या 6,000 देनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड अमाउंट देना है, वो आपके पास नहीं है ना, उसके पास आपके पास उतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना पैसा है, ना कुछ है, तो आप जो इंडिजेंट पर्सन कहलाए जाओगे। इसमें क्या है कि नॉट प्रिस्क्राइबल लॉ में क्या होता है कि अगर आप 1,000 रुपीज तक की प्रॉपर्टी के लिए भी एंटाइटल्ड नहीं हो, तो फिर आप इंडिजेंट पर्सन कहलाए जाओगे। अब प्रॉपर्टी मतलब चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुल मिला के आपके पास 1,000 रुपये तक की वर्थ नहीं है, तो आप इंडिजेंट पर्सन कहलाए जाओगे। लेकिन अगर एग्जांपल मान लो आपके पास 1,000 रुपीज तक की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जिसमें आप रह रहे हो, जो कि नेसेसरी है आपके रहने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए नेसेसरी है आपके, तो ये प्रॉपर्टी तो सेक्शन 60 के अकॉर्डिंग नॉन अटैचेबल हो गई। नॉन अटैचेबल होगी तो इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, हमने देख लिया ऊपर पॉइंट, ये दो पॉइंट्स है ना। या फिर आपके पास प्रॉपर्टी है मान लो 50 लाख की, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, वो भी नॉन अटैचेबल है, उसको आप अटैच नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर है सूट का। तो ये दो प्रॉपर्टी आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो यहां देखेंगे कि इसके अलावा अगर आपके पास 1,000 रुपीज तक की प्रॉपर्टी है, चाहे मॉनेटरी वे में हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ हो, कि मतलब उसको बेचकर या उसको अटैच करके या कैसे भी उसको, उससे हम 1,000 रुपीज रिकवर कर सकते हैं, तो आप इंडिजेंट पर्सन नहीं कहलाए जाओगे। लेकिन अगर आपको 1,000 रुपीज से भी लेस की कोई प्रॉपर्टी है, तो आप इंडिजेंट पर्सन कहलाए जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात आती है कि जिस दिन आप अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट करते हो ना, जैसे मान लो आज आपने 12 जनवरी है, आज आपने अपनी एप्लीकेशन प्रेजेंट करी और आपकी सुनवाई हुई 31 जनवरी को, तो इस दौरान अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, तो वो कैलकुलेट करी जाती है आपकी एप्लीकेशन पे डिसाइड करने के लिए कि आप इंडिजेंट पर्सन हो या नहीं हो। जैसे एग्जांपल, ए वाज हैविंग नो प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, बट आफ्टर दैट ही रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम हिज अंकल, उसको मिल गए, नाउ ही विल नॉट बी कॉल्ड एज इंडिजेंट, क्योंकि
बिकॉज उसको 1000 rupees जो मिले हैं वो डिसीजन ऑफ एप्लीकेशन से पहले मिले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसके बाद मिले हो तो क्या वो बच जाएगा? नहीं। अभी हम देखेंगे तो वहां पर पता लगेगा हमें कि अपोजिट पार्टी जो है एविडेंस पेश कर सकती है ये दिखाने के लिए कि सर जो आपने परमिशन दी थी ना इसको आप विड्रॉ कर लो क्योंकि अब ये बंदा इंडिजेंट पर्सन नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी छोड़ेंगे नहीं आपको। देखो अब क्वेश्चन आया कि मान लो ये लोग हैं, ये 1 2 3 4 5 ये बंदा जो है लीडर है, इसने क्या करा, इनके लिए ना रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करा। इसके पास खुद की प्रॉपर्टी जो है मान लो 600 रुपए की है, तो क्या हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे? नहीं, हम कलेक्टिवली देखेंगे इनकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी बनती है। अगर इनकी टोटल प्रॉपर्टी जितनी प्रिस्क्राइब कर रखी है उतनी बन रही है तो ये लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट भी एज एन इंडिजेंट फाइल नहीं कर सकते। जैसे मान लो लॉ ने प्रिस्क्राइब करा इसको कि इनकी प्रॉपर्टी जो कोर्ट फी लगेगी इनके ऊपर वो लगेगी 5000 रुपये। अब इनके पास सबके पास 5000 थे तो फिर ये लोग इंडिजेंट पर्सन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर मान लो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा था 2000 रुपये, इनके पास तो 500 रुपये भी नहीं बने टोटल, तो ये इंडिजेंट पर्सन में आ जाएंगे। और अगर मान लो लॉ ने प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रखा था तो कितना होना चाहिए? 1000 रुपीज होना चाहिए ना टोटल। तो 1000 रुपीज अगर इनके पास टोटल है तो ये लोग इंडिजेंट पर्सन में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया? देखो, if a plaintiff has filed a suit in a representative capacity, then the property of all will be collectively count and then the court will decide whether to consider them as indigent or not. ठीक है, तो यही सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये सेम चीज जो है अप्लाई हो जाएगी यहां पर representative suit के अंदर भी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं रूल नंबर 1A। रूल नंबर 1A बात करता है इंक्वायरी इनटू द मैटर, कि भैया पता कैसे चलेगा इंडिजेंट पर्सन है या नहीं है, इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी ना। तो इंक्वायरी जो है प्राइमा फेसाई एट द फर्स्ट इंस्टांस कौन करता है? प्री का क्वेश्चन है ये, चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर। चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर एक तो आपको यहां पर देखने को मिलता है और एक जो है ना आपको स्मॉल कोस्ट कोर्ट के जो एक्ट है, प्रोविंशियल स्मॉल कोस्ट कोर्ट एक्ट, उसके अंदर दिखता है कि एक ना बंदा होता है रजिस्ट्रार। वो रजिस्ट्रार क्या करता है, वो 20 रुपए से नीचे के सूट जो है वो सुनता है। 20 रुपए से नीचे के सूट सुनने वाले बंदा जो रजिस्ट्रार है उसको स्टेट गवर्नमेंट ना ये पोस्ट अपॉइंट कर देती है, चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर। मिनिस्टेरियल जो होता है ना वो छोटे मोटे काम करने वाला बंदा होता है बेसिकली। लेकिन यहां पर जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगा, ये इंक्वायरी करेगा कि वाकई आप इंडिजेंट पर्सन हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपने यहाँ चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर इस नाम से जानना है, स्मॉल कोस्ट कोड में क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अब ये चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर जो है ये अपनी रिपोर्ट बनाएगा। अब इसने रिपोर्ट तो बना दी, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करेगा। ऐसे मान के चलेगा कि जैसे ये रिपोर्ट उसने खुद ने बनाई है और उसकी फाइंडिंग से ही आया है। कोर्ट विल अडॉप्ट सच रिपोर्ट एज इट्स ओन फाइंडिंग। लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है कि मिनिस्टेरियल ऑफिसर की अभी रिपोर्ट जो अच्छी नहीं आई है तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसके ऊपर खुद से इंक्वायरी कर सकता है। कोर्ट चाहे तो इटसेल्फ मेक इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन। ओके, अच्छा अब आता है हमारे पास एप्लीकेशन के कंटेंट्स क्या होते हैं, रूल नंबर 2। एप्लीकेशन के कंटेंट्स देखो क्या होता है। सबसे पहले तो ये जो एप्लीकेशन है ये डीम्ड करी जाती है एज अ प्लेन। ये आगे मैं बताने वाला हूं आपको, इस पॉइंट में मत अभी मत सुनना, लेकिन ये मान के चलो ठीक है। अभी एप्लीकेंट जैसे आप प्लेंट को आप साइन करते हो, वेरीफाई करते हो ना, ऐसे ही आप एप्लीकेशन को भी साइन करोगे और वेरीफाई करोगे। हम मान के चलेंगे जैसे कि ये प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंट होती है ना, प्लेंट की प्लीडिंग्स में आप अपना प्लेंट को साइन करोगे, वेरीफाई करोगे, एफिडेविट लगाओगे, तो वो सारी चीजें एप्लीकेंट करता है। एप्लीकेंट इस एप्लीकेशन में साइन करता है, वेरीफाई करता है, हर एक चीज करता है। अब इसके अंदर लिखा क्या जाएगा, कंटेंट्स क्या लिखे जाएंगे? भैया इसके अंदर ना लिस्ट बनाई जाएगी, शेड्यूल बनाया जाएगा पूरा का पूरा, कितनी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, उससे फिर हम इंक्वायरी बिठाएंगे ना कि वाकई टोटल कितना कैलकुलेट करके कितना बन रहा है आपका, तो ये सब हम चेक करेंगे ठीक है। तो मूवेबल कितनी है, इमूवेबल कितनी है, इसका आप शेड्यूल बनाते हो। ओके, अच्छा अब आप एप्लीकेशन प्रेजेंट करने आ गए हो, एप्लीकेशन के कंटेंट्स आपने लिख दिए, ड्यूली फॉर्म्ड हो गई है एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने आ रहे हो, आपको खुद आना पड़ेगा, इन पर्सन आना पड़ेगा आपको कोर्ट के अंदर। चलो आपने इन पर्सन कोर्ट में आ गए, अगर मान लो अगर बहुत सारे प्लेंटिव हैं, 1 2 3 जैसे आप रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आ रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जरूरी नहीं कि सभी को आना है, एक बंदा भी आकर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ओके, देयर कैन इफ देयर आर मोर देन वन प्लेंटिव्स देन एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड बाय वन ऑफ देम। ओके, अब आप कोर्ट में आ गए हो। अच्छा अगर मान लो आपकी पर्सनल अपीयरेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, यानी कि आपको एग्जम्पशन मिली हुई है, आप जो हो
अपीयर नहीं हो सकते। एग्जाम्पशन मैंने मिसलेनियस प्रोसीडिंग को बताया था ना, एग्जाम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस कौन सा सेक्शन है, 132 एंड 133। ठीक है, तो वहां अगर आप पर्सनल अपीयरेंस अगर आपको एग्जाम्पशन मिल गई है तो कोर्ट क्या करेगा, देखो आपको बोल देगा कोर्ट कि भैया अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप अपना एजेंट भेज दो, वो एजेंट आ जाएगा, वो तो एग्जाम्प्ट नहीं कर रखा ना, तो ही कैन सेंड हिज एप्लीकेशन वाया हिज ऑथराइज्ड एजेंट। नाउ ऑथराइज्ड एजेंट को हम एग्जामिनेशन कर लेंगे उसका। ऑथराइज्ड एजेंट ऐसा होना चाहिए कि जो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे मटेरियल क्वेश्चंस का आराम से आंसर दे सके, हु विल बी एबल टू आंसर मटेरियल क्वेश्चंस एज रिलेटेड टू द एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? ओके, अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बात करता है एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली फॉर्म्ड होनी चाहिए और ड्यूली प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन प्रॉपरली फॉर्म्ड है, ड्यूली प्रेजेंटेड है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके। देखो कोर्ट जो है कोर्ट एग्जामिन करेगा किसको, या तो एप्लीकेंट को करेगा, अगर एप्लीकेंट आ गया तो एप्लीकेंट को करेगा, अगर एजेंट आया तो एजेंट को करेगा। किस चीज के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन होगा, उस एप्लीकेंट के जो उस एप्लीकेशन के अंदर जो कंटेंट्स है ना वो मेरिट्स पे है या नहीं है, मेरिट्स ऑफ द क्लेम, रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम उसको एग्जामिनेशन करा जाएगा। और प्रॉपर्टी जो उसके अंदर लिखी हुई ना, अपने शेड्यूल लिखे हुआ जिसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी है कितना नहीं है क्या कैलकुलेट करके उसके ऊपर एग्जामिनेशन करा जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एजेंट जो है ना वो मटेरियल क्वेश्चन आंसर नहीं दे पा रहा, वो मटेरियल क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा, कोर्ट को लग रहा है कि नहीं नहीं यार इसका क्या एग्जामिनेशन करना, तो कोर्ट अब क्या कर सकता है, अपीयरेंस तो कर नहीं सकता, उसको बुला तो सकता नहीं एप्लीकेंट को क्योंकि एग्जामिनेशन मिली हुई है उसको अपीयर करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो कमीशन भेज देगा, वो कोर्ट जो है उसको कमीशन भेज देगा, कमीशन जो है उस बंदे का एग्जामिनेशन कर लेगी। क्लियर हो गया? कोर्ट में इशू अ कमीशन टू एग्जामिन दी एप्लीकेंट। क्लियर हो गया? चलो अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के क्वेश्चन में आएगा कि बताओ क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके ऊपर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट करी जा सकती है। देखो सबसे पहले आ गया कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन थी वो ड्यूली फ्रेम्ड नहीं थी और आपने ड्यूली अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करी है, आपका आपने आपने आना था इन पर्सन, आप आए नहीं, आपने एजेंट भेज दिया जबकि आपको खुद आना था, आपको एग्जामिनेशन भी नहीं मिली हुई थी। ठीक है, ऐसे अगर आपको ड्यूली प्रेजेंट नहीं करा आपने या आपने प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना कर दिया तो उस पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपने रूल 2 और रूल 3 का कंप्लायंस नहीं करा। क्लियर हो गया? अब आता है बी पॉइंट, एप्लीकेंट नॉट एन इंडिजेंट पर्सन। अगर हमें पता चल जाता है एविडेंस से कि एप्लीकेंट जो है इंडिजेंट पर्सन नहीं है तो हम उसकी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आप पे एक बहुत प्रीकॉशन आने वाला, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, आगे सुन लो पहले। तीसरा क्या है, अगर उसने फ्रॉडुलेंटली डिस्पोज ऑफ करी है प्रॉपर्टी को। देखो जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी, वापस चलते हैं एक बार टाइमलाइन पे, मान लो 12 जन थी आज, 12 जन को आपने एप्लीकेशन फाइल करी, 12 जनवरी से 2 महीने पीछे तक की डेट मान लो, आप 2 मंथ्स पीछे मान लो, 12 नवंबर हो गया। ठीक है, 12 नवंबर और 12 जनवरी तक के जो बीच का जो सफर था, अगर आपने जान पूछ के फ्रॉडुलेंटली प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करी है ताकि आप इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आ जाओ तो फिर हम आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो आपने जो प्रॉपर्टी जो बेची है फ्रॉडुलेंटली डिस्पोज ऑफ करी है उसको भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो भी आप गरीब के गरीब ही थे, तो भी आप इंडिजेंट पर्सन ही थे, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। देखो यही बोल रहा है इसके अंदर ही, वेयर ही हैज विदिन 2 मंथ्स नेक्स्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली और इन ऑर्डर टू बी एबल टू अप्लाई फॉर परमिशन टू यूज एज इंडिजेंट पर्सन हिज एप्लीकेशन बी रिजेक्टेड। बट एक्सेप्शन क्या होगी इसकी, इफ इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्पोज इज टेकन इन टू अकाउंट, अगर हम जो प्रॉपर्टी जो आपने डिस्पोज ऑफ करी है उसकी वैल्यू जो है अकाउंट में ले भी लें तो भी आप जो हो आप एंटाइटल्ड थे इंडिजेंट पर्सन के लिए, यानी कि तो भी आपके पास इतने मीन्स नहीं थे कि आप कोर्ट फी भर पाओ, तो हम आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, अगला पॉइंट आता है कि आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा, आपकी एलिगेशंस के साथ ना कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा। अब ये जो है ना, आप एप्लीकेशन तो डालते हो, एप्लीकेशन के साथ आप प्लेंट भी डालते हो, तो प्लेंट के अंदर जो है आप अपना कॉज ऑफ एक्शन लिखते हो, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो आपका नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हिज एलिगेशंस डू नॉट हैव अ कॉज ऑफ एक्शन, तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। अच्छा, अब आता है एग्रीमेंट के 2 पॉइंट्स, अगर आपने एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी। एग्रीमेंट्स के ऊपर 2 पॉइंट है, एक ई क्लॉज और एक जी क्लॉज। ई क्लॉज में क्या है,
with reference to the subject matter of the proposed suit under which any other person has obtained an interest in such subject matter. आपने ना किसी person के साथ ऐसी कोई agreement करी है जिससे वो जो person था जिसके साथ आपने agreement करी है उसका कोई interest involve हो गया subject matter में, तो अब वो भी co-plaintiff बन जाएगा ना एक तरह से, क्योंकि उसका interest subject matter में हो गया, तो अब co-plaintiff बन जाएगा, तो फिर हम आपको indigent कैसे माने, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी भी जोड़ी, दोनों की वैल्यू जो है जोड़ी जाएगी. तो ऐसे केस में उन्होंने बोल दिया है कि अगर आपका किसी पर्सन के साथ इंटरेस्ट एग्रीमेंट आपने करी है, ऐसी कोई एग्रीमेंट करी है जिससे सामने वाला बंदा जिसके साथ आपने एग्रीमेंट करा है उसका कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में आ गया है, तो फिर हम आपको इंडिजिनस पर्सन नहीं मानेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी. ओके, अब जी पॉइंट क्या है, एनी अदर पर्सन हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद हिम टू फाइनेंस लिटिगेशन. अगर सामने वाला बंदा जिसके साथ आपने एग्रीमेंट करी है वो आपके खर्चे उठाने के लिए रेडी है, वो आपको लिटिगेशन को फाइनेंस करने के लिए रेडी है, तो हम आपको इंडिजेंट पर्सन क्यों माने. ठीक है, एफ पॉइंट आता है बार्ड बाय लॉ. अगर आपको सूट बार्ड बाय लॉ है, रेस जुडिकाटा से बार्ड है, लिमिटेशन से बार्ड है, तो सॉरी आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी. लेकिन अब क्वेश्चन आया प्री का, इन 6 पॉइंट में से ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इन 6 पॉइंट में से किन किन फैक्ट्स के ऊपर विटनेसेस जो हैं वो अपना एविडेंस देते हैं. जब आप विटनेसेस लेकर आओगे तो वो एविडेंस पेश करेंगे किन किन फैक्ट्स के ऊपर, सिर्फ बी पे और सी पे और ई पे, बी सी ई, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, ये मान लो, याद कर लो, इन 3 पॉइंट्स पर ही एविडेंस दिए जाते हैं. ठीक है, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं दोबारा से, यहां तक जितना पढ़ लिया हमने उसके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे बेरक के अकॉर्डिंग. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आया डिफाइन इंडिजेंट पर्सन. सर एज पर ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी एन इंडिजेंट पर्सन इज दैट हु हैज नो सफिशिएंट मींस टू पे कोर्ट फी. द टर्म सफिशिएंट मींस शैल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी व्हिच इज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट अंडर सेक्शन 60 का प्रोविजो, ये देख लिया हमने. द प्रॉपर्टी व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, ये भी देख लिया हमने. If no court fee is prescribed, then to be declared as indigent by the court, he shall not be entitled to even property of ₹1,000. लॉक का आंसर बन गया. 3 नंबर का या 4 नंबर का आ जाएगा आरजेएस में. आगे, who conducts inquiry into the matter of being indigent? Sir, as per rule 1A, the application of an indigent person is at the first instance is checked by the chief ministerial officer. His report, the court considered as its own finding. और द कोर्ट मे मेक एन इंक्वायरी फ्रॉम इट्स ओन साइड. ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन आया, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडिजेंट पर्सन. सर द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन अंडर रूल 5 फॉर द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन. नंबर 1, वेयर इट इज नॉट फ्रेम्ड, वेयर द एप्लीकेशन इज नॉट फ्रेम्ड एंड प्रेजेंटेड इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय रूल 2 एंड रूल 3, सच एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड. ओके, व्हेन द एप्लीकेंट इज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन. ओके सर, 3 पॉइंट क्या है, when he has within 2 months fraudulently disposed of the property. okay, और 4th पॉइंट क्या है, when his allegations do not show a cause of action. इसका प्रोविजो भी डाल देना, if even after fraudulently disposing the property, the value of such property was not sufficient to pay the prescribed court fee, he still be called as an indigent person, his application won't be rejected. okay, 5th पॉइंट क्या है, ही हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद सच पर्सन एंड सच पर्सन हैज एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. एफ पॉइंट क्या था, 6th पॉइंट कि हमारे पास वो बार बार लॉ है. ठीक है, लॉ से बार हो गया. और 6th पॉइंट क्या हो गया, कि 7th पॉइंट क्या हो गया, वेर एनी अदर पर्सन हैज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद हिम टू फाइनेंस द लिटिगेशंस. क्लियर हो गया. चलो अब व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर व्हेन द एप्लीकेशन इज नॉट रिजेक्टेड. अब आता है रूल 6 का. रूल 6 सुनना, क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाता है जब आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट नहीं करी जाती. ठीक है, अब सुनो, एज पर रूल 6 ऑफ ऑर्डर नंबर 33, इफ द कोर्ट डज नॉट फाइंड एनी सफिशिएंट रीजंस टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन. अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ हमारे पास तो कोई सफिशिएंट रीजन है ही नहीं आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें, तो फिर अब वो क्या करेगी, अब नया कदम क्या उठाएगी, वो भेजेगी नोटिस अपोजिट पार्टी को, भेजेगी नोटिस और गवर्नमेंट प्लीडर को भेजेगी नोटिस कि भैया आपके पास 10 दिन है, 10 दिन के बाद मैं हियरिंग चालू करूंगा. हियरिंग पर आप क्या करोगे, आप ना एविडेंस पेश करोगे ये बताने के लिए कि ये प्लेंटिव जो है वो इंडिजेंट पर्सन नहीं है, अपने एविडेंस लेकर आना. तो 10 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं मैं, 10 दिन के बाद आराम से आना. ठीक है, अगला पॉइंट, व्हाट इज द प्रोसीजर एट द टाइम ऑफ हियरिंग एन इंडिजेंट एप्लीकेशन. अब जब इंडिजेंट एप्लीकेशन सुनी जाएगी तब क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, तो कोर्ट जो है इस टाइम पे ग्रेन फ्रॉम द शाफ सेपरेट करेगा.
तो वो ट्रुथ निकालेगा उस एप्लीकेशन का, कोर्ट एग्जामिन करेगा विटनेसेस जो कि एप्लीकेंट भेजेगा, फिर हमारे जो गवर्नमेंट प्लीडर के विटनेसेस होंगे, एविडेंस होंगे, डिफेंडेंट के एविडेंस वगैरह होंगे, सबको एग्जामिन करने के बाद डिसाइड करेगा कि क्या उसको एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी चाहिए या अलाउ करनी चाहिए। अब सवाल ये होता है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर एविडेंस लिए जाएंगे। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस शैल बी कन्फाइंड टू द मैटर स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड क्लॉज ई ऑफ द रूल फाइव। रूल फाइव के बी, सी और ई, इन्हीं क्लॉजेस के ऊपर विटनेसेस अपने एविडेंस देंगे, ठीक है। लेकिन जो एप्लीकेंट है, जो पार्टीज है मेन, जो बेसिकली एप्लीकेंट या उसका एजेंट, ठीक है, सॉरी, जो उसका एप्लीकेंट और जो उसका एजेंट है, वो उनके उनको पूरी अलाउड है, वो किसी के ऊपर भी एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। जो बाकी पॉइंट्स है ना, कॉज ऑफ एक्शन वाला, लिमिटेशन से बार वाला, ए, एफ और जी, और कौन सा बचता है, डी, ये चार, इनके ऊपर तो उनको उनसे हम एविडेंस ले सकते हैं। After ascertaining the whole truth of the matter and getting properly satisfied with the contentions of the parties and their witnesses, the court shall either allow or reject the application. ठीक है, okay. अगला point आता है, what is the procedure once the application is admitted? अगर application आपकी admit कर ली गई है तो उसके बाद का क्या procedure होगा? सर, एक बार हमारी application जो है indigent person की, वो अगर admit कर ली गई है तो उसको हम numbering कर देंगे। जैसे plaint की हम suit number डालते हैं ना, प्लेंट एक्सेप्ट हो जाता है जब आपका, तो सूट नंबर डालते हैं। ऐसी जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी, एडमिट हो जाएगी आपकी, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, सूट नंबर दे दिया जाएगा, और उसको प्लेंट की तरह कंसीडर करके बिल्कुल जैसे एक सूट ऑर्डिनरी मैनर में चलता है ना, बिल्कुल वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। बस फर्क क्या होगा, आपका प्लेंटिव जो है उसको कोर्ट फी नहीं पे करनी, और उसको कोई भी फी पे नहीं करनी जो कि सर्विस ऑफ प्रोसेस से रिलेट करती है, किसी पिटीशन के रिस्पेक्ट में, प्लीडर के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में, या कोई भी प्रोसीडिंग्स जो कि कनेक्टेड है सूट से उसके रिस्पेक्ट में। तो आपको संबंध वगैरह कुछ किसी चीज की पे आपको नहीं करनी, ठीक है। पेटिशन अगर आप भर रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको आपको कोई सर्विस ऑफ प्रोसेस की फी पे करनी है तो वो नहीं करनी। प्लीडर अपॉइंट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आपको फी पे करनी है तो नहीं करनी। उसके बाद अगर कोई प्रोसीडिंग जो कि कनेक्टेड है सूट से, उसकी फी आपको पे नहीं करनी, ओके। अब क्वेश्चन आया, व्हेन परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन बी विड्रॉन। अब ये जो परमिशन आपको मिली है वो विड्रॉ कब हो सकती है? तो इस केस में ना हमारे पास रूल नंबर 9 आता है, ऑर्डर नंबर 33 का। इसके अंदर क्या होगा कि कोर्ट जो है आपकी एप्लीकेशन जो है विड्रॉ, जो आपको परमिशन दी गई थी ना कि हाँ आप इंडिजेंट पर्सन की तरह एप्लीकेशन फाइल करो, आप इंडिजेंट पर्सन हो, एप्लीकेशन ग्रांट कर रहा हूँ, वो परमिशन आपकी विड्रॉ की जा सकती है अगर डिफेंडेंट या गवर्नमेंट प्लीडर एप्लीकेशन फाइल करें कि जनाब इस प्लेंटिव की पेटिशन को विड्रॉ कर लो, ये जो एप्लीकेशन आपने ग्रांट करी है ना इसको विड्रॉ कर लो, ठीक है, ये बंदा इंडिजेंट पर्सन नहीं है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब ये लोग एविडेंस लेकर आएंगे, एविडेंस लेने के बाद क्या होगा, ऐसे केस के अंदर ये लोग 7 दिन का नोटिस देंगे कि हम आपकी जो परमिशन थी उसको विड्रॉ करवा रहे हैं। अब ग्राउंड्स क्या होंगे विड्रॉइंग के, कब कब आपकी परमिशन विड्रॉ हो सकती है? सबसे पहले अगर ये दोनों बंदे एविडेंस लेकर आए और ये बात प्रूव करें कि सर इसका जो कंडक्ट है सूट के अंदर ये वेक्सेशियस कंडक्ट है या इम्प्रॉपर कंडक्ट है, ये बंदा सिर्फ तंग करने के लिए आया और कुछ नहीं है, ही इज गिल्टी ऑफ वेक्सेशियस और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन द कोर्स ऑफ द सूट। उसके बाद His means are such that he ought not to continue to sue as an indigent person. ये बात आपकी रूल 5 में भी थी, वहां पर भी आप एविडेंस लेकर आ रहे थे, यहां पर भी आप एविडेंस लेकर आ रहे हो। तो अगर डिफेंडेंट या गवर्नमेंट लीडर आपके कभी भी एविडेंस लेकर आ जाए कि भैया अब आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो, आपके पास पैसा आ गया है, तो अब फिर आपकी परमिशन जो है वो विड्रॉ कर ली जाती है। अगर अगर बिफोर दी एप्लीकेशन ग्रांटेड अगर ये बात प्रूव हो गई तो ग्रांटी नहीं होगी, है ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आफ्टर ग्रांटिंग द एप्लीकेशन हमारा पास सबूत आ गए कि आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो, तो आपकी परमिशन जो है विड्रॉ कर ली जाती। थर्ड पॉइंट, ही हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर विद एनी अदर पर्सन हैज एंड एनी अदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट इन सच सब्जेक्ट मैटर। ये भी रूल 5 में पढ़ा था हमने, रूल 5 के अंदर जो क्लॉज ई था या जी था, देख लेना, ई होगा, ठीक है। उसमें लिखा था ना हमने, ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा जो है जिसके साथ आपने एग्रीमेंट करी है उस बंदे का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुका है इस सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो फिर हम आपकी एप्लीकेशन जो है ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने ग्रांट कर दी और बाद में सबूत मिला ऐसा, तो जो ग्रांट करी परमिशन थी उसको विड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब आया रूल 9A, वेदर अ कोर्ट कैन असाइन अ प्लीडर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये तो बेनेवोलेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। शायद सीआरपीसी के जब सेक्शन 304 देखते हो तो वहां पर भी यही सेम चीज दे रखी है।
तो वेयर अ पर्सन हु इज परमिटेड टू सू एज इंडिजेंट पर्सन इज नॉट रिप्रेजेंटेटेड बाय अ प्लीडर, तो कोर्ट में असाइन अ प्लीडर टू हिम, सिंपल. द हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएंगे कि प्लीडर का सिलेक्शन कैसे होगा, प्लीडर को फैसिलिटी क्या मिलेगी, प्लीडर को जो पैसा मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह. उसके ऊपर हाई कोर्ट रूल्स बना देगा. प्री का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता मेंस का, लेकिन आप समझ लो अभी. अच्छा, हु विल पे द कॉस्ट इफ द इंडिजेंट पर्सन सक्सीड्स. अगर मान लो इंडिजेंट पर्सन जो है जीत जाता है केस, उसकी कॉस्ट कौन पे करेगा? सर, ऑर्डर 33 का रूल 10 ये कहता है कि कोर्ट जो है कैलकुलेट करेगा कोर्ट फी जो प्लेंटिव को देनी थी, लेकिन अब वो इंडिजेंट पर्सन था तो इसलिए उसने नहीं दी. अब ये जो पैसा था वो स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रिकवर करेगी उस पार्टी से जिसका नाम डिक्री के अंदर मेंशन हो रखा हो, डिक्री के अंदर मेंशन हो रखा हो कि इस बंदे से कोर्ट फी पे लेनी है. अब उस बंदे से हम सबसे पहला जो चार्ज लेंगे वो कोर्ट फी लेंगे. भैया सबसे पहले तो कोर्ट फी पे कर, बाकी बातें बाद में, ठीक है? तो दिस विल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. अच्छा, अब हु विल पे द कॉस्ट इफ द इंडिजेंट पर्सन फेल्स. सर, इसके बारे में रूल 11 बात करता है. ऑर्डर 33 का रूल 11 ये कहता है कि अगर प्लेंटिव सूट में फेल हो जाता है, या फिर उसको जो परमिशन मिली थी वो विड्रॉ कर ली जाती है, या फिर वो सूट ही विड्रॉ कर लेता है, या फिर सूट डिसमिस हो जाता है, ठीक है? पहला देख लो, सूट डिसमिस क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने सम्मन्स में डिफॉल्ट करा, उसने प्रोसेस फी जो होती है सम्मन को देने के लिए वो नहीं दी, उसने पोस्टल चार्ज पे नहीं करे, उसने प्लेंट की कॉपी नहीं लगाई, जिसकी वजह से सम्मन नहीं पहुंच पाया डिफेंडेंट पे, या उसने डिफॉल्ट ऑन डिसमिसल वाला ग्राउंड हो गया ना, जब प्लेंटिव आया ही नहीं तो डिफॉल्ट इन डिसमिसल हो गया ऑर्डर 9 के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर डिफॉल्ट पर डिसमिसल हुआ या डिफॉल्ट इन सर्विस ऑफ सम्मन हुआ तो सूट डिसमिस हो जाएगा. तो इन दो ग्राउंड्स पर अगर सूट डिसमिस हो गया तो कोर्ट फी प्लेंटिव ही देगा, सूट विड्रॉ कर लिया तो कोर्ट फी प्लेंटिव देगा, परमिशन विड्रॉ कर ली तो कोर्ट फी प्लेंटिव देगा, प्लेंटिव अगर खुद से केस हार गया तो भी कोर्ट फी प्लेंटिव ही देगा. द कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिव और एनी अदर पर्सन एज अ को प्लेंटिव टू पे द कोर्ट फी विच वुड हैव बीन पेड बाय हिम इफ ही वॉज नॉट एन इंडिजेंट पर्सन. ओके, आर वसुदेव वाला केस है भैया. अगर मान लो प्लेंटिव आधा केस जीता और आधा हार गया, तो भैया जितना केस जीता वो उसकी कोर्ट फी तो जिसका जितना डिग्री में लिखा होगा उस हिसाब से दे देंगे, और जितना केस हार गया वो कोर्ट फी प्लेंटिव पे कर देगा, ठीक है? इट वॉज हेल्ड दैट इफ द प्लेंटिव सक्सीड्स इन द पार्ट ऑफ द सूट देन द कोर्ट फी हैज टू बी अपोर्शन बिटवीन द प्लेंटिव एंड द डिफेंडेंट. आधी आधी भर दोगे भाई, और क्या होगा? ओके, अब केस आता है वी मुथु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. अगर प्लेंटिव मर भी जाता है तो भैया डिसीज प्लेंटिव के बाद उसके LR तो आता ही है ना, तो LR कोर्ट फी पे कर देंगे. सेम बात जो है रूल 11A में लिखी हुई है, रूल 11A नया आया है, ठीक है? वो सेम बात जो है वहां पर भी लिखी हुई है. ओके, अब आता है क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट फी के लिए अप्लाई कर सकती है? हाँ, बोल सकती है. जो हमने रूल 10 पढ़ा, रूल 11 पढ़ा, रूल 11A पढ़ा. रूल 11 में क्या LR, 11A में LR, 11 में क्या था हमारा ये, अगर प्लेंटिव हार जाए केस को, और रूल 10 में प्लेंटिव अगर जीत जाए तो जिससे भी कोर्ट फी लेनी है तो स्टेट गवर्नमेंट सीधा सीधा कोर्ट को बोल देगी कि भैया पहले हमारी पेमेंट करवाओ, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है, किसी भी टाइम पे अप्लाई कर सकती है. वैसे तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट खुद ही दिलवा देगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी कह सकती है कि पहले हमारी कोर्ट फी, याद है ना, कोर्ट फी जरूर, पैसा हमें जरूरी है, रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए भैया. ओके, अब आता रूल 13. स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल 10, रूल 11, रूल 11A और रूल 12 के केस के अंदर एज अ पार्टी मानी जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सवाल होंगे वो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हैंडल कर लेगा, उसको देख लेगा, सारे एक ही सूट में लिए जाएंगे जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी बनाया जाएगा. ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन आया कि कैसे रिकवर करेंगे रूल 10, रूल 11 और रूल 11A के अंदर. सर, सिंपल सी बात है, जो कोर्ट होगा ना वो डिक्री की कॉपी या ऑर्डर की कॉपी जो है कलेक्टर को भेज देगा, कलेक्टर जो है उसको कोर्ट फी को रिकवर कर लेगा. जैसे कि वो एरियर्स या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है ना, वैसे ही वो स्टेट गवर्नमेंट की कोर्ट फी कलेक्ट कर लेगा, क्योंकि सरकारी पैसा है तो फिर कलेक्टर ही ये सब करता है, ठीक है? तो वो रिकवर कर लेगा कोर्ट फी इन एनी मैनर, लेकिन अगर कोई और मैनर प्रिस्क्राइब्ड है तो उसको वो प्रेजुडिस नहीं करे, ऐसे वो रिकवर कर लेगा जैसे कि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही. ओके, अच्छा, अब आया रिफ्यूजल टू अलाउ एप्लीकेंट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन. क्या रेस जुडिकाटा लग जाता है इसके अंदर एक तरह से? हाँ सर, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई है, रिफ्यूज कर दिया गया कि आपको, कि आपने इंडिजेंट पर्सन नहीं हो आप, और आप क्या कहते हैं, आपका हमने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, तो आप सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन सिमिलर नेचर की सेम राइट टू सू के ऊपर फाइल नहीं कर सकते. कोई और डिफरेंट राइट टू सू के ऊपर जरूर कर सकते होगे, लेकिन सेम राइट टू सू पे आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते.
ठीक है। तो यहाँ पर राइट टू सू के ऊपर हम वो लगा रहे हैं, एक तरह से बार लगा रहे हैं कि ऐसे मामले पे, इस मामले के ऊपर आप सिमिलर एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते, बट एप्लीकेंट के पास पूरा हक है कि आप इस सूट को ना, आप एप्लीकेशन की तो आपकी रिजेक्ट हो गई है, अब आप प्लेंट फाइल करो, प्लेंट की तरह जैसे नॉर्मल प्लेंट चल रहा है, नॉर्मल ऑर्डिनरी मैनर में चलता है वो, आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना केस चलाओ। लेकिन एक और बात आती है कि जब आप प्लेंट की तरह ऑर्डिनरी मैनर में सूट चलाओगे ना, तो प्लेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने उस जो स्टेट गवर्नमेंट और जो अपोजिट पार्टी जिसने कंटेस्ट करा था, जिसने अपने पैसे लगाए थे, अपनी अपनी पैसे भरे थे ना आपकी एप्लीकेशन को कंटेस्ट करने में कि नहीं आप इंडिजेंट पर्सन नहीं हो, तो उनकी कोर्ट फी आपने भरनी ही भरनी है। अगर आपने वो कोर्ट फी नहीं भरी तो आपका प्लेंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा, ये कौन सा रूल है एक सेकंड में बताया तो आपको, ये रूल है रूल 14, ठीक है, रूल 15 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रूल 15 ए के बारे में, ग्रांट टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। भैया कोर्ट जो है ग्रांट कर सकती है टाइम आपको, जो भी आपको लगेगा टाइम, ठीक है, वो कोर्ट आपको ग्रांट कर देगी और उसमें कुछ खास नहीं है। को क्या कोर्ट ग्रांट करती है टाइम? हाँ बिल्कुल कोर्ट ग्रांट करती है टाइम, तो ये तो कुछ नहीं है इसके अंदर। रूल 16 कॉस्ट क्या होती है? भैया जो इंक्वायरी आप, हमने बिठाई ना इंक्वायरी आपकी चेक करने के लिए कि आप इंडिजेंट पर्सन हो या नहीं हो, तो वो प्रोसीडिंग्स में जितना भी खर्चा आया वो कॉस्ट मानी जाएगी सूट की। ओके अच्छा अगला क्वेश्चन आया रूल 17 का कि क्या डिफेंडेंट इंडिजेंट पर्सन हो सकता है? हाँ हो सकता है अगर वो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है या वो काउंटर क्लेम कर रहा है। काउंटर क्लेम बिल्कुल प्लेंट की तरह ट्रीट करा जाता है ना, तो उसमें आपको कोर्ट फी भरनी पड़ती है। तो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के केस में वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि गुरुजी मैं तो इंडिजेंट पर्सन हूं, ठीक है, प्लीज मेरा एप्लीकेशन स्वीकार करें। ओके रूल 18 आया कि क्या फ्री लीगल सर्विसेज के अकॉर्डिंग, फ्री लीगल सर्विसेज देने के लिए उन इंडिजेंट पर्सन को सरकार कोई रूल ला सकती है? हाँ बिल्कुल ला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सप्लीमेंट्री प्रोविजन बना सकती है, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, देखो हाई कोर्ट कभी लॉ नहीं बनाता, जुडिशियरी लॉ नहीं बनाती, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, तो इसलिए हाई कोर्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द सप्लीमेंट्री प्रोविजंस मेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उन सप्लीमेंट्री प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए हाई कोर्ट जो है प्रीवियस अप्रूवल के साथ रूल्स बना सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक इंडिजेंट पर्सन का, आई होप आपको ये समझ आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।